नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे, ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावड़ की एक निजी कंपनी के दिवालिया घोषित होने का मामला सामने आया है, जिस कारण कंपनी से जुड़े वेंडर्स लेबर की पेमेंट डूब गई है। इतना ही नहीं, कंपनी द्वारा गुपचुप तरीके से माल और स्क्रैप को बेचा जा रहा है। इस संबंध में कर्मियों ने एक शिकायत पुलिस को सौंपी है और उनकी डूबी हुई रकम दिलवाने की मांग की है। कंपनी से जुड़े ठेकेदारों का कहना है कि यह केस NCLT के पास है, उनकी अनुमति के बिना माल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी पुलिस के साथ साठगांठ कर कंपनी से गुपचुप तरीके से मशीन और स्क्रैप गैरकानूनी ढंग से उठाने का काम कर रही है। कंपनी ब्रेक्ट होने से 40 से 50 लोगों की पेमेंट रुक गई है। कंपनी से जुड़े कर्मियों ने तहलका हरियाणा को बताया, कंपनी ने औद्योगिक क्षेत्र बावल की हेमा इंजीनियरिंग कंपनी ने करीब 15 से 20 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी दिवालिया होने के बाद इसके मेन गेट पर सील भी लगा दी गई थी, बावजूद इसके कंपनी से माल उठाकर चोरी छिपे बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि NCLT में केस चल रहा है, NCLT द्वारा ही तय करने के बाद सभी को उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। वहीं इस संबंध में जब कंपनी के HR मैनेजर संतराम से बात की गई तो उसने भी माना कि वेंडरों के साथ गलत हुआ है और इनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने वेंडरों से और HR मैनेजर से बात की, तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास। मेरा नाम अरविंद सिंह है, गांव टाकड़ी है, डेल टाइप मेरी फर्म है। मेरा AC का काम था इस कंपनी के अंदर, 4-5 साल से AC काम चल रहा था। अब की बार उन्होंने पेमेंट रोक दिया और ये कंपनी दिवालिया घोषित कर दिया अखबारों में, उसके बाद में हमारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं और दूसरे कबाड़िया को उठा के माल ले जा रहे हैं। नहीं, अभी पुलिस नहीं आई, अभी हम गए थे पुलिस के पास, पुलिस मिले नहीं है। अभी थोड़ी देर का नाम लिया आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, साईं पुली पैग एंड ट्रेडिंग कंपनी से, और मैं HEMA इंजीनियरिंग से मेटेरियल के बदले में पैसे मांग रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ इकट्ठा हो रहा हूँ। और ये केस है ना NCLT में चल रहा है, जिसके कारण है ना यहाँ से कुछ भी माल नहीं उठा सकता, सिर्फ वो उसकी बोली लगेगी, वो भी NCLT के इंस्पेक्टर वगैरह लागू करते हैं, उसके बाद होता है ये काम। और ये अभी माल उठ रहा है, ये चोरी हो रही है सर। HEMA इंजीनियरिंग और ये स्क्रैप डीलर है जो, ये चोरी कर रहे हैं एक तरह से गवर्नमेंट का, ये एक तरह से सील है ये प्लांट। ये भी आ गया था कि ये NCLT में केस जा चुका है, न्यूज़ की विज्ञप्ति निकल चुकी है और जिस जिसका पैसा है वो NCLT वालों को अपने एविडेंस दे उनको। हमने सबने मेल किया हुआ है, एविडेंस वहाँ पे दे रखे हैं, सबको सांत्वना दी गई थी कि NCLT में केस है, NCLT जो फाइनल करेगा उस तरीके से सबको पैसे मिलेंगे, उससे पहले ना कोई माल उठा सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। उसके बावजूद भी अब माल भी उठाया जा रहा है यहाँ से और ना कोई NCLT कुछ कर पा रहा है, ना ही कोई GST वाले और ना लोकल पुलिस सपोर्ट करती है। लोकल पुलिस तो सुनती ही नहीं है हमारी, वो तो कहती है GST में जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, वो तो बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। दो दो तीन तीन चार चार साल पुरानी हमारी सभी की पेमेंट है, उसमें से ना कोई पैसा दिया जा रहा। हमने गवर्नमेंट को भी अपनी ड्यूटी दी हुई है, हमने GST दी हुई है, जो इनवाइस यहाँ पे हमने दी थी उसकी GST भी फिल की हुई है, सारे गवर्नमेंट से लीगल काम डॉक्यूमेंट हमारे, उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे देख, मैं हूँ यहाँ पर HR में। अच्छा, मैं ये चीज़ मैनेजमेंट साहब हाईलाइट नहीं कर सकता, बट ये गलत हो रहा है। जैसे वेंडर है, जैसे ये है, आप इनका वो कर सकते हो ये मीटिंग, ठीक है, क्योंकि एज ए मैं एक मैनेजमेंट का ही आदमी हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि भाई मान लो ठीक है कल फिर वो बोलेंगे जी हमारा इस तरह कर रहा है, वो जैसे वेंडर है तो आप इनका वो कर सकते हो इस तरह का, ठीक नहीं, रास्ता ये नहीं कर सकते, इनका पेमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ऐसी कितने लोग हैं जिनका पेमेंट रुकी हुई है? कुछ वेंडर हैं, कुछ स्टाफ के बंदे भी हैं।